Hey people out there, this is Vinay Banekar and मैं क्या ही बताऊँ आपको, मेरी खुशी का ना एक ठिकाना जो रहता है ना, वो ठिकाना हमेशा बदलता जा रहा है क्योंकि मुझे आपको बताना है कि मेरा 25th बर्थडे कितना ज्यादा अच्छा गया, इतना ज्यादा अच्छा बर्थडे गया है कि आई मस्ट टेल यू कि मेरी सिल्वर जुबली जो थी, सक्सेसफुल सिल्वर जुबली थी, उसी के साथ में मैं आपको बता दूं मेरे साथ में कल अखा दिन क्या हुआ है। आपने ऑलरेडी ब्लॉग देख लिया होगा, क्या पता ये वीडियो ब्लॉग के पहले आ जाए या बाद में आ जाए, बट एनी वेज आई वॉन्ट टू थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल की गहराइयों से जाके मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरे बर्थडे को बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बनाया है, मेरे चैंपियंस, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मामा लाड़ा, मेरी बुआ, मेरे घर वाले एंड ऑल दैट पीपल हैव बीन जस्ट अ बिग ब्लास्ट फॉर मी ऑन माय बर्थडे। बिकॉज यस, ऐसा लगा कि ना मुझे, मतलब मेरे को स्टार्टिंग से ही ऐसा लग रहा था ना कि मेरे को मेरा 25th बर्थडे ना नहीं मनाना है, स्पेशली यहाँ पे मुंबई में नहीं मनाना है, मुझे बाहर जाना है किधर में, मेरे को अच्छा आराम से मेरा एक दिन पूरा किधर जाके ना स्पेंड करके आना है आराम से अकेला। बट फिर मुझे लगा कि कितना सेल्फिश ओपिनियन हो जाएगा ना मेरा खुद को ही लेकर, क्योंकि मैं अगर भाग जाऊंगा यहाँ से, भाग जाऊंगा इन द सेंस, मतलब अगर मैं जाऊंगा किधर और स्टेकेशन करने के लिए फॉर जस्ट फॉर वन डे, तो फिर क्या ही मजा आएगा यार। मतलब मेरे सारे चैंपियंस लोग, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स जो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ में कल आए थे, एंड थैंक गॉड आई डिडंट प्लान फॉर दैट, मेरा ओपिनियन मैंने चेंज कर दिया एट द वेरी लास्ट मोमेंट एंड देन वी हैड अ वेरी ब्लास्ट डे। अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं चेक करा है, बर्थडे व्लॉग, प्लीज जाके चेक करिए। एंड आपको पता है क्या हुआ, जिस दिन मेरा, मैं आपको ना यहाँ पर मेरे सारे गिफ्ट्स को अनबॉक्स करने वाला हूँ, जितने भी जन ने मुझे जो जो दिया है गिफ्ट, और उसी के साथ मैं आपको स्टोरीज बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो था, हम लोग गए थे, हम लोग मेरे बर्थडे की रात में गए थे, 12 o'clock के पहले हम लोग गए थे दिल्ली दरबार में। वी गॉट टू नो कि वहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी है, तो हम लोग वहाँ पे खाने गए एंड मम्मा ने बोला कि आई एम गोना पे द बिल, यू आर नॉट गोना पे इट। तो मैंने बोला ओह माय गॉड, फ्री का खाना मिलने वाला है यार, मुझे बिल पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने बोला था मम्मी को, मम्मी मैं वहाँ पे जाके कार्ड स्वाइप नहीं करूंगा अगर आपने कुछ भी बोला तो। एंड शी वाज लाइक, मैं नहीं बोलूंगी, कम ऑन चीयर अप। एंड देन व्हाट हैपेंड, हम लोग वहाँ पे गए, 12 बजने के सिर्फ 2 मिनट बचे हुए थे, और मेरे को लगा यार मम्मी खाना तो आ गया, सब कुछ आ गया, मेरा केक किधर है। मेरे दिमाग में मैं सोच रहा हूँ कि यार केक किधर है, केक, आई डाई फॉर केक एक्चुअली। और मेरा मतलब एक महीने से मैंने शुगर वगैरह खाना बंद कर दिया है, तो मुझे लगा कि मैं मेरे बर्थडे के दिन भर के मीठा खाने वाला हूँ। गेस वॉट, मैं ना 23:59 तक देखता रहा कि मतलब केक कहाँ है। मानो हम लोग जुगाड़ कर लेते कि वेटर को बोल देते कि यार एक केक लेके आ जाना ना, और केक के साथ में हम लोग क्या करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पर मेरी मम्मी ने ऐसा कोई जुगाड़ नहीं किया था, और मेरे को सबसे बड़ा डाउट मेरे डैडी के ऊपर आया कि मेरे डैडी जो इतना मास्टर प्लानर है, वो क्यों ऐसा करे, मतलब मेरा फर्स्ट केक क्यों नहीं आया एग्जैक्टली 12 o'clock को। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरा बर्थडे में 12 o'clock को केक नहीं कटा है। बट एनी टाइम, एवरी टाइम यू नो, मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत अच्छा करते हैं एग्जैक्टली एट 12 o'clock। सो आई मिस्ड माई फ्रेंड्स दैट नाइट, बट आई वॉज हैविंग अ ब्लास्ट विद माई पेरेंट्स। दिस गिफ्ट इज फ्रॉम साजिद फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड, थैंक यू सो मच। यू नो आई हैव अ कप कलेक्शन, इतने सारे मेरे पास कप्स है ना, इतने सारे कप्स की मतलब यू नो, मिस्टर विनय बने करके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे सब 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 पी सकते हैं आराम से उसके अंदर। Then we have a beautiful gift from Das Divyendu. फिर उसके बाद में हम लोगों ने मस्त अच्छा खासा जो है बर्थडे सेलिब्रेट करके हम लोग रात में रिटर्न आ गए थे। एंड रात में रिटर्न आने के बाद में मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, एक अच्छा अजीब सी ना बेचैनी सता रही थी, क्योंकि मतलब मेरे खास लोगों ने विश नहीं किया था। एंड when I tell अबाउट खास, मेरे खास लोगों को मैं इतना मतलब सर के ऊपर बैठा के रखता हूँ, और मुझे मेरे फ्रेंड साजिद का विश नहीं आया था, मेरी बुआ का विश नहीं आया था, एक और का विश नहीं आया था, तो आई वॉज लाइक क्या ही इन लोग बेकार लोग रह गए, ऐसे लोगों को ना मतलब क्या बोलेगा, बर्थडे केक के अंदर है ना करेले का वो स्वाद डाल के देना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच दिव्येंदु फॉर दिस ब्यूटिफुल कप, May your troubles be less and your blessings be more and nothing but happiness come through your door. Thank you so much, Divyendu, for this beautiful gift. तो मैंने, मुझे लगा कि यार इन लोग कैसे भूल सकते हैं यार, मेरा इतना बड़ा बर्थडे है, वो भी 25th बर्थडे, कैसे भूल गए इन लोग। एंड फिर मैंने सुबह उठ के ना सबसे पहले 4 बजे, मैंने उस दिन मैं 4 बजे नहीं उठा, मैं सोए कितने 2 बजे, तो मैं 5:30 को उठा मॉर्निंग में। मैंने सबसे पहला मेरा फोन चेक करा, और उसमें से ना एक जन ने विश किया था, तो मुझे लगा यार थैंक गॉड मेरा सक्सेसफुल हुआ रात में चिंता भरे नींद में सोना। बट फिर भी मेरे फ्रेंड ने और मेरी बुआ ने मेरे को विश नहीं किया था, तो आई वॉज लाइक आई वॉज डाउन, आई वॉज स्टिल डाउन। दिस गिफ्ट इज फ्रॉम
हाँ ये किसका गिफ्ट है, इसमें नाम नहीं लिखा है। अगेन इट्स अ कप आई गेस। यस इट्स अ ब्यूटीफुल कप। वी गॉट बेस्ट ऑफ लक। वी ऑल नो दैट यू कैन डू इट। आई कैन डू इट। मैं जो प्लान करता हूँ पहला करता हूँ बाबा। एंड देन वी हैव हु इज दिस ब्यूटीफुल वन फ्रॉम अरमान। अरमान इज माई बेस्ट स्टूडेंट। ऑल राइट तो फिर मॉर्निंग में आपको पता है मेरे साथ में क्या हो गया, मुझे रात में केक नहीं मिला, मुझे सुबह सुबह सबसे पहला केक किसका मिला पता है आपको? किसका मिला है बताओ? लूसी का। लूसी ने क्या किया तो तुमको बताया, हम लोग रात में कल जल्दी चले गए थे डिनर करने के लिए, तो हम लोगों ने उसका रात में पॉटी नहीं करवाए थे। गेस व्हाट, वो पॉटी जो बाहर नहीं की गई थी वो मेरे घर के अंदर की गई थी। एंड मैं मेरी मम्मी को उठा रहा हूँ, मामा उठो प्लीज उठो, क्योंकि अब वहाँ पर वो हो गया है कांड। अब अभी मेरी मम्मी जानबूझ के नहीं उठ रही, बिकॉज शी गॉट टू नो कि वहाँ पर ऐसा हो गया है। आपको पता है मैंने मेरी नाक के अंदर सांस को रुका कि वो सबसे पहला जो सुबह सुबह उठ के मैंने शुभ काम किया ना, मेरे हाथों से झाड़ू मार के उस चीज को मैंने डंप करके आया है। एंड मुझे लगा कि भगवान मतलब सुबह सुबह आपको कराना ही था कुछ काम, तो ये क्यों कराना था आपको? एंड वो मतलब उसने ना ऐसा उस जगह पे पॉटी डंप की थी जहाँ पर दरवाजा था हम लोग का, और मैं वहीं से जाने वाला और मैं वापस रिटर्न भी वहीं से आने वाला, क्योंकि हमको जिम के कपड़े पहनने के रहते हैं एंड बहुत सारे काम वही रास्ते में करने के रहते हैं। मैं बार बार आऊंगा मेरा पैर लग गया तो मेरा और दिमाग खराब हो जाएगा, तो मैं उठा लेता हूँ। मैंने उठाया, उठाने के साथ ही मेरे को जो उल्टी जैसा फील हुआ, मेरे पूरे मुंह से पानी गिर रहा है। एंड फाइनली जब मैं वॉशरूम में आया हाथ धोने के लिए, मैंने उल्टी मतलब पूरी जो रात की बिरयानी थी ना वो पूरी प्रोसेस होके बाहर आ गई, पूरी की पूरी बाहर। एंड मेरा दिमाग खराब हो गया, मॉर्निंग मेरा सच में पूरा हेल्थ डाउन हो गया था। देन आई वेंट टू जिम, अच्छा खासा मैं जिम में जाके आई वेंट टू स्टारबक्स विद माय बेस्ट फ्रेंड। एंड देन उसके बाद में ये किसका गिफ्ट था? अरमान थैंक यू मैन, दिस इज सो सच अ लवली कप मैन। इसको मतलब मैं मेरे डेली यूज का कप बनाने वाला हूँ। अच्छा लग रहा है, मस्त है, एकदम क्लासी भी है, डिजाइन भी अच्छी। थैंक्स ये हो गया। हम लोग स्टारबक्स गए, स्टारबक्स रिटर्न आने के बाद में मुझे कस के नींद आई। आई हैड अ नाइस टॉक विद माई फ्रेंड्स, जो कॉलेज का फ्रेंड था उन्होंने मुझे कॉल किया। व्हाट इज दिस लवली, दिस गिफ्ट इज फ्रॉम जियान का। फिर दोपहर हुई, दोपहर में मैं और मनीष सर एक दूसरे से मिले। एंड आई वाज लाइक मतलब मैं इतना कंफ्यूज हो गया ना। मनीष सर बोलते कि तूने मुझे बोला था कि तेरा बर्थडे 12 अक्टूबर को आता है, तो बोला सर हाउ कम इज दिस पॉसिबल कि मैं आपको मेरा ही बर्थडे गलत बताऊंगा? बट देन इट वाज लाइक यू नो इट वाज कॉन्स्टेंटली ऑन इट्स ट्रैक कि लाइक नो यू टोल्ड मी दैट इट्स ऑन 12th October। तो मैंने बोला सर इट माइट बी अ लुक ऑफ माई टंग, माइट बी अ स्लिप ऑफ माई टंग, ऐसा बोल दिया रहेगा मैंने। एंड आई एम सो सॉरी सर, मेरा बर्थडे आज है एंड आई एम मीटिंग यू इन हाफ एन आवर में। मैंने बोला सर को मैं मीट करने वाला हूँ, मेरा ना आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने सर को जितना टाइम बोला है ना मैंने उसके जस्ट 1 मिनट पहले या 5 मिनट पहले मैंने सर को रिपोर्ट किया है। कल ऐसा हुआ कि मैंने मेरे पूरे बाल को सेट किया है अच्छे खासे तरीके से, पूरा जेल वेल लगा के, और मैं गलती नहाने चला गया उसके बाद में, क्योंकि मैं जिम से आया था, मेरे को लगा मैं बाल को नहीं बिल्कुल गीला करूंगा और सीधे नहा के बॉडी वॉश करके मैं अच्छा खासा चले जाऊंगा सर को मिलने के लिए। मैंने गलती से ना अपने ही ध्यान में अपने ही ख्यालों में खोकर मैंने फटाक से शैम्पू को पंप आउट किया और मैंने मेरे सर के ऊपर पूरा स्क्रब कर दिया। मैंने बोला वो शिट मैंने क्या किया और मेरा 20 मिनट्स पूरा वो जेल कंडीशनिंग सब कुछ करने के लिए गया पूरा, और उसके बाद में मेरा पूरा काम लेट हो गया। एंड सर वाज लाइक मेरा तो इतना लेट कैसे कर दिया? एंड मैंने फिर जाके सर को मिला एंड सर वाज वेरी हैप्पी एंड वी हैड द बेस्ट ऑफ आवर क्वालिटी टाइम। अगर वो भी आपने नहीं चेक किया तो व्लॉग में जाके चेक करिए। सर गिव मी ब्लेसिंग्स, सर ऑल्सो गिव मी गिफ्ट and thank you so much sir, you're the bestest one, you're the reason why I keep myself chinned up every time and I'm the best one as far as what I feel about myself, and that's just because of you. Thank you so much sir. And ye mujhe diya hai Hamza ne, thank you so much Hamza, you're the best one Hamza, very good, thank you. But sugar aap aise sugar hai ye aap to avoid sugar। मैंने कल मेरे बर्थडे के दिन इतना शुगर खा लिया है ना, मतलब जो मैंने 1 महीने में जो व्रत रखा था ना शुगर नहीं खाने का, बट शुगर नहीं खाने से मेरे बॉडी में बहुत ट्रेमेंडस चेंज आया है और मैं आपको बोलता हूँ कि आप भी छोड़ सकते हो। ये मुझे गिफ्ट दिया है किसने पता है? इसमें तो नाम ही नहीं लिखा है। जिसने भी ये गिफ्ट दिया है थैंक यू सो मच। आई गेस ये कोई मुझे याद है किसने दिया है ये। आयत,
फिफ्थ स्टैंडर्ड आयन. थैंक यू सो मच आयन फॉर दिस वंडरफुल डायरी. आई लव डायरी. माय डायरी कलेक्शंस आर लाइक सुपर ऑसम. अब ये सारी डायरी में मेरे मेरे सारे मैनिफेस्टेशंस लिखूंगा जो कि फिंगर क्रॉस टच वुड पूरे प्योरली हो रहे हैं. एंड फिर मैं वनी सर से मिलने के बाद में आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. दैट टू हार्स वर सो स्प्लेंडेड एंड ग्रेट. आई मेट टेडी. टेडी और मैं, मतलब टेडी माई बेस्ट फ्रेंड और मैं, हम लोग कम से कम 3 महीने से नहीं मिले थे. लास्ट टाइम मैं उसकी सिस्टर की वेडिंग में मिला हुआ था एंड उसके बाद में हम लोग मिले ही नहीं. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट जोया जोहा. थैंक यू सो मच जोहा. थैंक यू सो वेरी मच. व्हाट अ लवली डायरी कलर टेक्सचर दैट यू हैव गिवन मी. थैंक्स. एंड हम लोग मिले, हम लोग मिलके इतनी बात किए. एंड मैं ना परसों के दिन हम लोग दिल्ली दरबार जा रहे थे ना, तो मैंने ना वहाँ से ना, मतलब कार में से देख लिया था कि यार यहाँ पे नवा फुट स्टूडियो खुला है और मैं यहाँ पे क्यों नहीं आया अंदर. एंड मेरे को बाहर से वो इतना अच्छा लगा ना कि यार मुझे जाना ही था वहाँ पर. ये एसी को क्या हो गया है भाई, क्या हो गया भाई तुझे, क्या हो गया. एक सेकेंड ना, वन सेकेंड. एट द बेस्ट ऑफ माई टाइम विद टेडी हम लोग ने इतनी बात किया. और परसों जब हम लोग जा रहे थे ना दिल्ली दरबार में, तो मैंने वहाँ पर ना रास्ते में एक रेस्टो देखा फुट स्टूडियो नाम का, और मुझे लगा यार ये नवा स्टूडियो खुला, मैं इधर पे आया क्यों नहीं. और बाहर से उसका इंटीरियर इतना मस्त दिख रहा था कि मुझे लगा कि यार ओ ऊपर वाले कभी लेके आ रहे हो, कभी बुला रहे हो. गेस व्हाट, सेकंड डे वी वर राइट ऑन दैट स्पॉट इटसेल्फ. टेडी ने बोला कि वी आर गोइंग टू गो फॉर 5D जॉइंट्स. तो मैंने बोला चलेगा. मैंने वहाँ पर ऑलरेडी एक चीज़ देख के रखा है, एक स्टूडियो देख के रखा है फुट स्टूडियो, और वहीं पर जाने वाले हम लोग. एंड वी हैड द बेस्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ. थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल थिंग मुदस्सिर. थैंक यू सो मच. आई रियली नीडेड अ कीचेन बिकॉज मेरे जिम के बैग में मुझे ना कीचेन लगाने का था. सो दिस इज ब्यूटिफुल थिंग्स. एंड यस, दिस इज अ पेन, ब्यूटिफुल पेन गिवन बाय माई चैम्प. थैंक यू सो मच. देन वी हैव ऑल दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट. हम लोगों ने बैठ के इतनी सारी बात की टेडी और मैंने. और मतलब है ना, मेरे लाइफ में ना प्रॉब्लम चल रहा था. वो प्रॉब्लम इतना डीपेस्ट प्रॉब्लम है ना कि मतलब किसी को बता नहीं सकते. और मुझे लगा कि मैं टेडी को बता दूंगा, व्हाट इफ शी विल थिंक समथिंग नेगेटिव, समथिंग रॉन्ग. बट मुझे तुमको बताया, आपको एक बात बताने का, कि प्रॉब्लम्स शेयर करने से जो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस निकल के आते हैं ना, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है, उसका कोई स्टैंडर्ड कंपैरिजन नहीं होता है. इसके लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा ना, अपने बेस्ट लोगों से शेयर करिए. कि ये मत सोचिए कि यार वो क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगी. जस्ट शेयर इट आउट. क्या पता वो अच्छा सोच के आपको एक अच्छा सोल्यूशन देगी, जो मेरे केस में हुआ. टेडी गेव मी अ वेरी पावरफुल बेस्ट सोल्यूशन. आई लव यू टेडी फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ लाइक अ स्ट्रॉन्ग पिलर. यू आर माय आर्मर. थैंक यू सो मच. तो वी हैड अ लवली कॉन्वर्सेशन. दिस इज फ्रॉम ऑल 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच ऑल 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. If I wish I could open it and wear it right now. The color is my favorite color. Favorite. Damn. Thank you so much, 6th standards. And then हम लोग फिर बात किए एक दूसरे से. सब कुछ हुआ अच्छा खासा. And किसी का कॉल आ रहा है. We got this lovely T-shirt. The T-shirt got a nice back print. Oh, who is this? Who is this cutest person who have gifted me this? इस पे नाम नहीं है. No name. Thank you so much whoever gifted me this. Thank you very 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 much. Then the very next thing that we have is given to me by Huzaib and Sufyan. Huzaib and Sufyan are my new champions. Thank you Huzaib and Sufyan. Thank you so much for gifting me this lovely gift. And सबसे मजेदार वाली बात तो ये थी कि टेडी ना मुझे बाहर निकल के पूरा खाना बिना खाने के बाद में, लंच कराने के बाद में, शी केम आउट एंड शी आस्क्ड मी, आपको क्या गिफ्ट चाहिए बिना. मैंने बोला मेरे को क्या गिफ्ट चाहिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपने मेरी लाइफ की सॉल्व कर दी, आपको इसके बाद में गिफ्ट क्या देना है. इट्स ऑल राइट. दिस इज नाइस पीस ऑफ फैब्रिक मैन. थैंक यू सो मच हुज़ैब एंड सुफियान. थैंक यू वेरी 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 मच. What should I make out of it? मुझे कॉमेंट करके बताना हूँ क्या मेरे ऊपर कलर. ये कलर कितना मस्त है, सबसे बेस्ट कलर है. अभी इसके ऊपर सूट क्या करेगा आपको मुझे बताना है. ओके. एंड कॉमेंट करके प्लीज बताना. उसी के साथ में आई हैड द बेस्ट टाइम विद टेडी. फिर मैं रिटर्न आया, मेरे चैंपियंस लोग सारे के सारे आ गए थे ट्यूशन में, और मुझे आने के टाइम में ना लेट हो गया था. दिस इज फ्रॉम रुकैया. Oh wow, thank you so much. This is such a nice, beautiful frame, man. This is me. This is me, cutie Vinay.
ये मानो मेरा कब का फोटो है जब हम लोग कोरोना टाइम में ना शूट करने गए थे दाना पानी में, और वहां पे एक बहुत अच्छा जंगल जैसा कुछ जगह था, तो मैंने बोला मेरे को यहीं पे फोटो खिंचाने का। मेरे बेस्ट फ्रेंड को मैंने बोला था उस टाइम पे, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था अब वो बेस्ट एनिमी बन चुका है। ऑलराइट एंड हाँ, एंड लिटरली लेजिट मेरी बुआ एंड साजिद एंड बेस्ट लोग जिसको मैं बोलता हूँ, तुम लोगों को ये बात बता दूं, मैं जिन्होंने मुझे विश नहीं किया, मेरे को सारे सब लोग ने विश कर दिया था, बेस्ट एनिमीज ने विश कर दिया था, पर तुम लोगों का विश नहीं आया तो मुझे और भी ज्यादा बुरा लगा था। थैंक यू सो मच, दिस इज अ वेरी नाइस गिफ्ट। अब्दुल करीम इज माई फेवरेट चैंपियन। शाम होते ही ना मतलब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया था कि मेरे चैंपियंस लोग आके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे कि सर आएंगे, सर को हम लोग सरप्राइज देंगे, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग एंड ऑल दैट थिंग वर लाइक समथिंग व्हिच वाज रियली आउटस्टैंडिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। मुझे इतनी खुशी हुई। उसी के साथ में ये सारे गिफ्ट जो है मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग ने दिया, जो हम लोग रात में मिले, सारे फ्रेंड्स लोग रात में मिले हम लोग अच्छा खासा नाइट आउट करे। हम लोग बॉम्बे टाउन गए थे, वहां पे हम लोग ने शालीमा होटल में जाके मस्त वाला डिनर किया, एंड उसके बाद में वी वेंट टू मरीन लाइन्स, जहाँ पर जाके उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। ये फर्स्ट टी शर्ट है विच इज द फेवरेट टी शर्ट ऑफ माइन आई गेस। यस, मस्त टी शर्ट है ये, द कलर इज नाइस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, तुम लोग मेरी लाइफ को और भी ज्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल बनाते हो। विद दैट दिस इज द सेकेंड वन, सेकेंड डिजाइन थैंक्स। व्हाइट कलर का मैंने टी शर्ट है ना सुबह सुबह एक मैनिफेस्ट किया था कि यार भगवान मेरे को एक व्हाइट कलर का टी शर्ट चाहिए, क्योंकि मैंने एक जो था ना मेरे पास उसको मैंने पहन के ना खराब कर लिया था सुबह सुबह जिम में। देन उसके बाद में व्हाट हैपेंड, ये मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया अगेन, तो थैंक यू रहमान, थैंक्स। एंड उसके बाद में व्हाट हैपेंड, मैं क्या बोला था आपको, हाँ व्हाइट कलर का टी शर्ट मेरे पास एक एक्स्ट्रा में नहीं था, और मेरे पास एक मस्त क्यूट ब्लैक कलर का शर्ट था जो व्हाइट के ऊपर जाता था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं था, तो मेरे को लगा फिर अभी क्या करे, सुबह सुबह जाके कहाँ से ले, तो मैंने ड्रेस चेंज कर दिया मेरा, मैंने दूसरा कुछ पहन लिया। एंड देन दे आल्सो गिफ्टेड मी दिस ब्यूटीफुल पेयर ऑफ स्नीकर्स। आई एम थैंकफुल। मुझे व्हाइट कलर के शूज चाहिए थे, आपको पता है मैंने व्हाइट कलर के शूज तीन ले लिया एक्चुअली। एक मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट दिया था, एक मम्मा ने बोला था कि तू मेरे तरफ से ले लेना, एंड एक मैंने खुद के लिए लिया, और ये तीसरा मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग ने गिफ्ट किया, क्योंकि उन लोगों को पता था कि मुझे व्हाइट कलर का शूज चाहिए, तो ये मुझे मम्मा ने गिफ्ट किया था व्हाइट शूज, ये वाले। एंड इसी के साथ में हमारे सारे गिफ्ट जो है खत्म होने पे आ जाते हैं। कल रात में जब उन्होंने नाइट आउट किया, अचानक से हम लोगों ने मरीन लाइन्स का प्लान बनाया। मतलब जो जगह के बारे में मैं दिन भर सोचते रहता हूँ ना, कि मतलब मेरा घर इधर हो, मैं सामने देखूँ तो मेरे को सिर्फ समुंदर दिखे, और मतलब बस, और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं वही पहुंच गया हूँ, इतना सुकून, इतना मस्त हवा एंड ऑल दैट थिंग। मेरे फ्रेंड को मैंने बोला मुझे यही घर चाहिए, उसने बोला कि फटाक से उठ, वो बिल्डिंग दिख रही थी वो पीछे, जस्ट उसके सामने जा और खड़े रहकर विश कर। मैंने बोला मैं यही पे खड़े रहकर विश कर रहा हूँ, मैंने प्रे किया और सब लोग मुझे देख रहे थे वहां पर, मैंने बोला मैं प्रे करने वाला हूँ भाई, मैं प्रे करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यही चाहिए जगह नहीं मतलब ये जगह पे चाहिए घर। मैंने प्रे किया एंड उसके बाद में वी केम बैक, पुलिस आके वापस से भगाते कि मत बैठो यहाँ पर, जाओ तुम लोग घर पे, रात के 3 बज गए, तुम लोग जाओ। फिर हम लोग आ गए नॉर्मल, रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद में वी हैड, मेरे पास पूरा एक फ्लैशबैक था मेमोरीज का। मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल हूँ तुम लोग को, मैं क्या बताऊँ कि मतलब मेरी लाइफ है ना तुम लोग से चालू होती है, तुम लोग पे खत्म होती है, तो आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल, थैंकफुल टू पेरेंट्स, थैंकफुल टू चैंपियंस, थैंकफुल टू माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स एंड एवरीबडी एल्स। थैंक यू फॉर मेकिंग माई डे द बेस्ट वन, द ब्लास्ट वन। ये जो साल है ना मेरे लिए बहुत मेरा टर्निंग पॉइंट वाला साल है, ये साल में बहुत कुछ नवा चीज़ होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत ज़्यादा विशेस दो, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दो। ये साल में मुझे रिस्क उठाना है, ये साल में मुझे हाँ बड़ी बड़ी चीज़ों को करना है, अचीव करना है, तो आई लिटरली वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स कमिंग राइट ऑन टू मी, एंड आई विश कि आई एम गोना मेक यू मोर प्राउडर विद माय वर्क, एंड आई एम गोना मेक यू सुपर 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 हैप्पी विद व्हाटएवर आई एम डूइंग। सो थैंक यू सो मच, एंटिल वी मीट, थैंक्स, बाय, सी यू।